नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और साथ ही जस्टिस CT रवि की यहाँ पर खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को राहुल गांधी सहित यहां पर विपक्षी नेताओं की एक बड़ी संख्या के प्रभावित होने की संभावना है, जो अभी केंद्रीय जांच एजेंसी के यहां पर जांच के दायरे में है। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला लगभग तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिन्होंने यहां पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उनमें आपको बता दें कि यहां पर कार्ति चिदंबरम और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।